ही आपकी बनती है, कानून हम लोग भी जानते हैं। बैठक बुलाने का अधिकार महापौर को है, बैठक बुलाई गई, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम समय से उपस्थित थे। एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी मुख्य नगर आयुक्त की होती है, आप यहाँ उपस्थित हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जानिए कैसे चंद्र प्रकाश बाटा बने 5 मिनट के लिए मेयर। आज नगर निगम की बोर्ड बैठक में बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया, जहां मेयर गौरव गोयल के बैठक में देरी से पहुंचने पर चंद्र प्रकाश बाटा को बैठक का अध्यक्ष घोषित कर मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने पार्षद की बहस के बाद नगर निगम के सभी कर्मचारी सदन से बाहर निकल गए। वहीं चंद्र प्रकाश बाटा ने मेयर की कुर्सी पर बैठते ही अधिकारियों को बर्खास्त करने की धमकी भी दे डाली। जानिए प्रतिक्रिया में मेयर गौरव गोयल ने क्या कहा। आज 11 बजे नगर निगम बोर्ड की बैठक आहूत की। शहर में पिछले 15 दिनों से जो आपदा आई है, उस आपदा के दृष्टिगत बहुत सारे उपकरण नगर निगम को खरीदने थे, क्योंकि अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई है और मैं समझता हूँ पूरे अगस्त अभी 1-1.5 महीना बारिश चलेगी, तो ये बैठक भी आपातकालीन स्थिति में ही रखी गई। इस बैठक में 2 प्रमुख मुद्दे थे, एक उन उपकरणों की खरीद और उसके साथ 40 लीज के मैटर, इसके साथ साथ निर्माण कार्यों के भी, विकास कार्यों के बहुत सारे प्रस्ताव थे। आज 11:20 पे नगर निगम के अंदर बोर्ड की बैठक में पार्षद लोग पहुँचे। नगर आयुक्त कोई नारसन के अंदर कोई केस हुआ है, इसलिए क्योंकि एसडीएम की जिम्मेदारी उनके पास है, तो वहाँ गए थे। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं 11:40 तक पहुँचूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। 11:30 बजे जब मैं बोर्ड मीटिंग में पहुँचा तो मेरी कुर्सी पर चंद्र प्रकाश बाटा जी खड़े हुए प्रणाम कर रहे थे उस कुर्सी पर, और प्रणाम करने के बाद वो बोले कि मुझे आज बोर्ड ने इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दी। मैंने उनसे कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, साइड होइए, अपने स्थान पे जाके सम्मान बैठिए, लेकिन वो नहीं माने और जा करके मेरी कुर्सी पे ज़बरदस्ती बैठ गए। ऐसी स्थिति में एक सम्मानित व्यक्ति को वहाँ से चला जाना उचित था, मैं आ गया और अपने कमरे के अंदर मैं बैठ गया। इसके बाद ये घटना 11:30 बजे की है। 11:35 पर नगर निगम के जो हमारे SNA हैं गुप्ता जी, कयूम बाबू और कुछ कर्मचारियों की कुछ परिषदों से कहा सुनी हो गई। पार्षदों के जो बोलने का रवैया है वो इतना तलख है और इतना, मैं कह सकता हूँ कि अभद्र है, जिससे नगर निगम के सारे कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई। पिछले 15 दिनों से नगर निगम का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी फील्ड में लगा हुआ है, जल निकासी के लिए, वाटर ड्रेनेज को रुकवाने के लिए, और रात दिन काम करने के बाद जब कर्मचारी रात रात तक काम कर रहे हैं, चाहे नाला खुदवाने का हो, चाहे टैंकर से पानी निकलवाने का हो, चाहे दवाई छिड़कने का हो, पूरी तरीके से बरसात के बाद का काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब कोई कर्मचारी इस प्रकार, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, और ये विषय एक बार का भी नहीं है, पिछली जितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं सब में इस बार नगर निगम के जो पार्षद चुन के आए हैं उनमें से अधिकांश पार्षद, सब पार्षदों को नहीं कहूँगा, अधिकांश पार्षद ने अभद्रता की सीमाएं पार की हैं। आपका काम है कि बोर्ड में जो प्रस्ताव हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उस पर चर्चा करना, वो काम के हैं या नहीं है उस पर चर्चा करना, लेकिन बोर्ड के प्रस्ताव पर चर्चा ना करके, आपकी चर्चा सिर्फ राजनीति पे होती है या मीडिया अंदर होती है और मोबाइल से कवरेज करती है, तो मीडिया को देख करके कुछ पार्षद लोग और अग्रेसिव हो जाते हैं, ताकि शहर की जनता को ये दिखाई दे कि हम कितने काम करने वाले हैं और जनता के मुद्दों के लिए कितने लड़ते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, जबकि सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ सिर्फ ड्रामा करना और जनता के कामों को रोकना। नाला के लिए 300 कर्मचारियों का प्रस्ताव हमने फरवरी माह में रखा, वो प्रस्ताव पास होता बोर्ड में, अप्रैल से काम शुरू होता, आज नहर के अंदर एक शहर के अंदर ऐसा नाला ना होता, इसकी तल तक सफाई ना हो जाती, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत संघर्षशील हैं, शहर के विकास को रोकते हैं, वो नाला गैंग मई में पास हुआ, जून से जाके काम स्टार्ट हुआ उसमें, तो शहर के विकास को बाधित करने का एक लोग काम कर रहे हैं। और मैं 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो बोर्ड है ये वास्तव में नीचता की प्रकाष्ठा है,
निष्ठा की प्रकाष्ठा है, और अगली बार जनता को भी ये बात सीधा सीधा ध्यान देनी होगी कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुन के भेजा है। मैं मांग करूंगा कि इस बोर्ड को भंग करें। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि मेयर जो है या पालिका चेयरमैन पहले रहे कि वो ये मांग करेंगे। मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बोर्ड को भंग करें। पूर्व में भी जो यहाँ पे अधिकारी रहे उनकी आज तक यहाँ पे राजनीतिक दखल जबरदस्त है। वो रुड़की में ही आके रहते हैं और रुड़की के इन पार्षदों को कुछ को भड़काने में उनका आज भी 5 साल एक PCS अधिकारी को इस जिले के अंदर हो गए हैं 5 साल, और वो यहाँ पे आज भी इस बोर्ड को चलने ना देने के लिए क्या कारण है कि वो आज भी रुड़की में रहते हैं। लाइट्स के रेट्स को लेकर के क्या कहना है, जो कि पार्षदों का ये आरोप है कि लाइट के रेट्स अगर हमने कम बोले थे इस वजह से। देखिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जवाब आपको अधिकारी देंगे, MNA देंगे, SNA देंगे, टेक्निकल कमेटी देगी। उस टेक्निकल कमेटी में मैं नहीं हूँ, ना मेरी जानकारी में। अरे यूजर चार्ज क्या पास हुआ था बोर्ड में या नहीं? उन्होंने कहा कि पास हुआ नहीं था, फिर भी इसको पास दिखाने की कोशिश की जा रही। देखिए, यूजर चार्ज भी जो है बोर्ड में तो पास नहीं होता है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट जो किया है वो नगर आयुक्त ने किया है। इसमें मेरी कहीं कोई जानकारी नहीं है और मेरा कहीं दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसकी पूरी जो जानकारी है वो नगर आयुक्त देंगे। तो बोर्ड में पास नहीं होने के बावजूद भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। देखिए, जो शासन से नियमावली बनती है, यानी कि जो शासन के नियम होते हैं, उसको बोर्ड में पास करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। कुल मिलाकर आप इतना आहत है आज के घटनाक्रम से कि ये कब कब करेंगे मुख्यमंत्री जी को जो मिलकर? मैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके ये बात रखूंगा कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। पूरे बोर्ड को सर पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, सेम जब हम लोग कवरेज करने आते तो हमें लगता है कि भाई पुराने विजुअल चाहिए जो लगा देने चाहिए। आने वाले 2-4 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आऊंगा, इस बोर्ड को भंग करने की मांग करूंगा। और ऐसे अधिकारी जो है 5 साल से जमे पड़े हैं और इस नगर निगम को बिल्कुल तहस नहस करने पर लगे हैं, इसके बारे में मैं पूरी चर्चा आप लोगों से 3 दिन बाद करूंगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।